हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। तो बस अभी सुबह के सारे काम हो चुके हैं और हर्षित स्कूल जा चुका है और अभी मैं आई हूँ अपना लंच बनाने के लिए। तो ऐसे तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ, एक साथ ही ब्रेकफास्ट के साथ ही लंच के लिए एटलीस्ट सब्जी तो मैं बना ही लेती हूँ, फिर बाद में या फिर दाल चावल या रोटी जो भी खाना है वो बनाती हूँ। लेकिन आज नहीं बनाई हूँ तो उसका रीज़न है ये देखिए, ये बर्तन है सारे, सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन सारे रखे हुए हैं अभी धोऊंगी मैं। और यहाँ पे देखिए आज बनेगा फिश, तो ये बस इसे मैंने साफ करके नमक हल्दी के साथ मैरिनेट करके रख दिया था। और अभी हर्षित लोग जा चुके हैं, थोड़ा हाथ धो लूँ। तो हर्षित लोग जा चुके हैं, हर्षित उसके पापा, तो बस अब मैं जा रही लंच बनाने। तो आज इसके पापा भी आएंगे लंच में घर, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं बना लूँ ताकि वो लोग भी लंच करके फिर निकल जाएंगे। बाथरूम बंद कर दो। और कैंडू रोज की तरह अपनी शैतानियां कर रहा है और देखिए आज ये क्या कर रहा है। कैंडू क्या है? जंगल। कैंडू ने बनाया जंगल, ये देखिए। तो ये फोल्डेबल मैट्रेस है हमारे घर में, तो कभी जैसे नीचे सोते हैं ना हम लोग, तो ये बिछा कर सोते हैं फिर फोल्ड करके रख देते हैं। तो बस यही इसके पापा ने इसको दिखा दिया है, कल उसके साथ खेले थे इससे, तब उसको इससे ही खेलना है। देखिए बनाया है इसका, इसने कैसे बिल्कुल टेंट हाउस जैसा बनाया है। तो अभी इसके अंदर सोया हुआ था, अब ये इसके ऊपर गाड़ी चला रहा है। तो नए नए खेल है बच्चों के, अपने खेलते रहते हैं। तो बस इसको एक नया घर मिल गया है अपने खेलने के लिए। राउंड एंड राउंड, इधर इधर तो आओ, पहले फ्रेंड्स को हाई तो कर दो, ऐसे हेलो करो हाथ हिला के, कुछ ही दे दो मम्मी को। मैंने इसे दिया है जो अपना खेलता रहे, क्योंकि अकेले खेलता नहीं, इसे चाहिए मम्मी साथ साथ खेले। तो ऐसे मैं खेलती हूँ, लेकिन अभी मुझे बनाना है मछली, तो बोली चलो तब तक उसको दे दूँ, इसमें बिजी रहेगा। और चलिए मैं फटाफट अपने काम शुरू करूँ। कैंडू कौन सा पैंट पहना है? ट्रैक्टर वाला पैंट। दिखा दो ट्रैक्टर कहाँ है पैंट में, बैठ के दिखा दो। ट्रैक्टर है। देखे कौन सा कलर का ट्रैक्टर है, देखे ब्लू येलो रेड सब है। कैंडू को ट्रैक्टर वाला पैंट अच्छा लगता है। अरे वाह, ट्रैक्टर पैंट अच्छा है। तो ट्रैक्टर पैंट कैंडू का फेवरेट पैंट है ना? ए बाबा गंदू। तो मैं अभी मैं यहाँ पे पहले फिश फ्राई करने वाली हूँ। तो फिश फ्राई करने से पहले आप जानते हैं बहुत ज्यादा, कितना भी आप सावधानी से करें ऑयल के छींटे उड़ते ही हैं। तो उसके लिए मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगी, जितना भी मेरे किचन में सामान है ऊपर में रखा हुआ प्लेटफॉर्म पे, उन सबको मैं हटा दूंगी ताकि वो सब गंदे ना हो। तो मुझे सफाई करने में बाद में खाएगा। अब शर्म जाओ, भी तुमको एक बॉईल करके देते हैं, एक बॉईल करके देते हैं, रुक जाओ। तो यहाँ ऊपर में मैं जितना भी थोड़ा बहुत सामान रखती हूँ, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं रखती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी रखती हूँ जैसे घी के डब्बे और है, ये सब तो मैं हटा लूंगी। ना बेटा ये सब नहीं खाते, ये बच्चे नहीं लेते हैं, दे भी आपको दूसरा दे दे, रुको। पानी का जग है, गर्म पानी, इसमें अभी विंटर्स है ना, तो इसमें गर्म पानी मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि कैंडू को मैं हल्का सा लूक वार्म वाटर ही पिलाती हूँ विंटर्स में, तो इसलिए ये पानी इसमें हमेशा गर्म पानी रहता है। और ये देखिए थोड़ी सी तैयारी मैंने करके रखी हुई है, गार्लिक जिंजर सब छीके रखे हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे रख दिए मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो मैं ज़्यादातर ना नॉन स्टिक कढ़ाई में ही फिश फ्राई करती हूँ, तो एक तो दो रीज़न है, इसमें कम ऑयल में अच्छे से फिश फ्राई हो जाता है। और ये देखिए ये इतना चौड़ा पैन इसका है ना, तो एक साथ
5-6 मछली आराम से तैयार मतलब तल लेते हैं, तो जल्दी हो जाता है मेरा काम, तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। क्या धो रहा है? कहाँ है, दिखा हेलीकॉप्टर? देखो देखो, गिरेगा नहीं तुम? हाँ, चेयर लाके चेयर पे खड़ा होके अपने आप धो रहा है। हाँ, क्या हुआ था हेलीकॉप्टर में जो धो दिया? अब गिरेगा नहीं तुम? हाँ, जाओ उसको पोछ दो, टॉवल से पोछ दो, जाओ है बेड पे टॉवल है, जाओ पोछ दो अच्छे से, जाओ। मम्मी के पास काम नहीं है, जो मम्मी तुम्हारा पोछती रहेगी गाड़ी, बिना मतलब का धोता है। अब कुछ नहीं धोना है, गिर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं धोना है कुछ, अब ऐसे ही खेलो बेटा, इतना पानी से नहीं खेलते हैं, सर्दी हो जाएगा फिर बुखार आ जाएगा, तो अच्छा लगेगा? आटा से भी नहीं खेलना है, घर गंदा करेगा तुम। अभी मम्मी झाड़ू पोछा लगाई है, अभी तुम पूरा घर में फिर आटा फैलाएगा। दूसरा सामान से खेलो। कलर करेगा? कलर मम्मी कलर दे, कलर करेगा? अच्छा चलो, मम्मी कलर देगी, चलो ठीक है, चलो। हाँ दिखाओ, पहले शेप्स दिखाओ मम्मी को, रखो नीचे, रखो बुक। हाँ चलो शेप्स दिखाओ, कौन सा शेप बनाया है बताओ, कौन सा कलर का सर्कल है? और रेक्टेंगल कौन सा कलर है? नो, ब्राउन। और क्या है रेक्टेंगल के बाद? क्या है हाँ, और उसके बाद क्या है? स्क्वायर। कौन सा कलर का स्क्वायर बनाया? ये। और क्या है ये? हेक्सागन। कौन सा कलर का है हेक्सागन? और उसके बाद डायमंड। डायमंड कौन सा कलर का है? ग्रे। और उसके बाद हर्ट। कौन सा कलर का हर्ट है? पिंक। फिर स्टार। कौन सा कलर का है स्टार? ऑरेंज। गुड, वेरी गुड, क्लैप करो। सेमी सर्कल भी बनाया है। कौन सा कलर का सेमी सर्कल है? ग्रे। अच्छा, अरे स्माइली वाला सेमी सर्कल बनाया है, वाह। सारी मछली फ्राई हो गई है और अब मैं फ्राई करूंगी थोड़े से फूल गोभी। देखिए मैंने नमक हल्दी देखे से मैरिनेट करके रखा था, ये 5-6 फूल गोभी हैं, इसके से फूल है, तो मुझे ना मछली में ये फूल गोभी देखे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद आता है, जैसे मेरे भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा अभी जब तक विंटर्स हैं मैं फूल गोभी देखे ही फिश बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ तो पहले से भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बनेगी हमारी ग्रेवी। सीटी बज गया, इसमें कैंडू के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है जो वो फिश खाएगा कि नहीं खाएगा, अगर खाया भी तो वो फ्राई फिश थोड़ा सा खाएगा और ज़्यादा वो नहीं खाता है, इसलिए उसके लिए खिचड़ी भी मैंने बना के रेडी कर दिया है, जो अगर वो पहले मैं ये खिलाऊंगी, अगर ये नहीं खाया हुआ तो फिर मैं सेकेंड ऑप्शन भी इसके लिए रखती हूँ। तो यहाँ बन रहा है मेरा खाना और यहाँ देखिए कैंडू कर रहा है पेंटिंग। तो इसे तो कलर करना नहीं आता ठीक से, लेकिन ये इसी तरह से कलर से खेलता है, और जब मुझे काम रहता है ना तो मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ देती हूँ खेलने के लिए, ताकि वो उसमें बिजी रहे और मेरा काम भी हो सके, क्योंकि घर में अकेली हूँ ना मैं, तो फिर कोई है नहीं है इसके साथ खेलने के लिए रहता है, तो इस तरह से मुझे इसे बिजी रखना पड़ता है।
और ये चीज़ काफ़ी अच्छा भी है, इस तरह से ना खेलते खेलते इसने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है। आपको मैं बता दूँ तो इसने मतलब इसको एक साल से ऊपर हो गया, ये कलर्स के नाम सारे जानता है, सारे कलर्स वो आइडेंटिफाई कर पाता है अच्छे से। और इस तरह से मैं भी इसके साथ कभी कभी करती हूँ, जैसे अभी इसने कहा मुझे फ्रूट्स बना के दो, तो मैं जो भी फ्रूट्स बनाती हूँ उसके नाम उसे बताती हूँ, उसके कलर्स उसे बताती हूँ। तो इस तरह इसने बहुत कुछ खेलते खेलते ही सीखा है। मैं इसे स्पेशली बैठती नहीं हूँ, जो स्पेशली बैठूँ पढ़ाने के लिए और तब इसे सिखाऊँ तो नहीं, छोटे बच्चे ना इस तरह से बहुत कम ही पॉसिबल है जो ऐसे सीख पाएंगे। बच्चे ऐसे बैठेंगे ही नहीं आपके साथ जो स्पेशली बैठ के, अभी इसका एज नहीं है जो मैं इसे बैठ के प्रॉपरली इसे पढ़ाऊँ। जब आपके बच्चे 3 ईयर्स से कम के हैं तो आपको उन्हें इसी तरह सिखाना चाहिए, मेरे हिसाब से जो इसी तरह सिखाना चाहिए उनको, खेलते खेलते आप खेल खेल में उन्हें सब चीज़ें सिखा दें, जैसे कि बॉडी पार्ट्स हैं, कलर्स के नाम हैं और फ्रूट्स वेजिटेबल्स। अगर मैं जैसे फ्रीजर में सब्जियां रखनी होती है तो उस समय भी ये मेरे साथ खेलता रहता है, तो मैं इसे सब सब्जियों के नाम भी बताती रहती हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और उनके कलर्स भी बताती हूँ। तो इस तरह से क्या है, बच्चे खेल भी रहे हैं और उन्हें खेलते खेलते वो सीख भी रहे हैं। तो इसी तरह मैं इसके साथ खेलते समय हमेशा कोशिश करती हूँ जी ये कोई ना कोई नया चीज़ सीख ले। तो अभी इसके 3 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जनवरी में कंप्लीट होगा इसका, तो अभी भी बाकी है 1 महीना। लेकिन से अभी कलर्स के नाम, फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, सेब्स और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो इसे आती है, काफ़ी दिनों से आती है, क्योंकि मैंने इसे हर चीज़ ऐसे ही सिखाया है मैं भी। प्लस इसका एक और फ़ायदा है, जिसका बड़ा भाई है तो उसके साथ भी वो खेलता है ना, तो उसके साथ भी वो काफ़ी कुछ सीख लेता है। तो बस इसी तरह से बच्चों के साथ खेल खेल में उन्हें सिखाना चाहिए और मैं इसी तरह से सिखाती भी हूँ। तो इससे क्या है, एक तो उनको भी ऐसा नहीं फील होता है कि मुझे पढ़ने बिठाया है, मुझे कोई काम करने बिठाया है, उनके लिए ये खेल है और खेल के साथ साथ वो सीख भी रहे हैं। और तो इस छोटे बच्चों के स्कूल में भी इसी तरह से सिखाया जाता है, उन्हें खेलते हुए गाते हुए इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ों के साथ ही सिखाया जाता है, क्योंकि इन छोटे बच्चों का प्रॉपरली बुक्स दे के कॉपी पेन दे के आप नहीं सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका है और अब ये लोग खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। और ये ना आते समय मिठाई भी लेकर आए थे, तो कैंडू मिठाई मांग रहा है खाने के लिए, तो अब मैं उसे दे रही हूँ यहाँ पे मिठाई। तो बस गाइज, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।